आपको मैं चूल्हा जला के दिखाता हूँ आसानी की तरह से। पहले पतली पतली लकड़ी रखनी है, जिस तरह से मैं चूल्हा जलाता हूँ आपको उसी तरह से चूल्हा जलाना साहब। ये देखो इस तरह से अखबार लगाना है, एक अखबार से आग लग जाती है बस, आप कोई तकलीफ नहीं है। ये अखबार लगाया आपने और ये रख दो। अब ये अखबार का धुआं बस आपके, ये देखो आग पकड़ ली है, आग आ गई। लगाते पहले देख लो आप, ये खाली अखबार लगाया उससे आग आ गई है। ये देखो आप नीचे देखो, आप इस तरह से चलाओ, ये क्या इसके अंदर ऑक्सीजन जल्दी जाती है, जल्दी आग लगती है। इसका आग लगने का कारण ही यही है। और बस ये अखबार सरकाते रहो, आपकी आग चलती रहेगी। देखो ये आपके भंडार आग लगी चुकी, खाली मैंने कुछ भी नहीं किया ये। ये इस तरह से आपको लकड़ी, ये या लकड़ी जमा, आगे नहीं रखनी है लकड़ी, लकड़ी आपको यह जमा नहीं है और जमा के और इस तरह से रख दें। ये आग लग रही है और अभी ये चिकन बम्बू आपको बना के बताऊंगा मैं आपको चिकन बम्बू किस तरह से बनाया जाता है। अब ये क्या करते हैं, सब चिकन बम्बू बना लेंगे आग के ऊपर रख के जलाते हैं। अपन ऐसा नहीं करेंगे, आसान तरीके से इसके अंदर रखेंगे, आपके 30 से 35 मिनट के अंदर आपके ये चिकन बम्बू बन जाएगा। देखो धुआँ हो रहा, अभी सारा धुआँ यहाँ होता है, ठीक है। अभी ऐसे आग लग रही है, लकड़ियाँ बिल्कुल आगे नीचे तक झुका, आपको लकड़ी रखनी है। ये लकड़ियाँ जितनी भी है लकड़ियाँ ठेठ आगे तक जलानी है। आप नया लकड़ी रखोगे तो इस पाइप में जलेगी लकड़ी सारी, ठीक है। अब ये चिकन इसके अंदर, अभी मैं आपको चिकन मोमू बना के बताऊँगा चिकन मोमू कैसे बनाते हैं। देखो ये चिकन मोमू इस तरह से डालना आपको ये, और चिकन मोमू डाल के आपको बनाना है ये। इसके अंदर चिकन मोमू भर चुका है, ठीक है। अब अपन को सब जने क्या करते हैं, आग के ऊपर रखते हैं, अपन को आग के ऊपर नहीं रखना है, अब अपनों ने यहाँ रखना है। ये चिकन बम्बू आपके यहाँ रह गया, ठीक है। एक चिकन बम्बू आपके यहाँ पे रह गया। अब आपके मर्जी, जिसको भी धंधा करना है बिजनेस करना है उसके लिए क्या है, वो ज़्यादा रख सकता है। अपने हमें जितनी इतनी ज़रूरत नहीं, जितनी ज़रूरत है उतने लगाए अपनों ने। एक चिकन बम्बू इसमें रखा, इसके अंदर आप बिरयानी भी बना सकते हो। मैंने बिरयानी पहले रिसर्च किया कि मैंने बिरयानी बनाई थी तो शानदार बिरयानी बनी इसके। ये आपके चिकन बम्बू है और आपको लकड़ियाँ डालनी है तो इस तरह से लकड़ियाँ, ध्यान रखो लकड़ी आगे तक रखनी, पीछे तक लकड़ी इसके आगे नहीं रखनी है। यहाँ पे रख देते हो तो आग नहीं लगती, लकड़ी से एक लकड़ी जोड़ी और लकड़ी आगे तक सरकनी चाहिए। आगे तक लकड़ी सरकेगी तो ही चूल्हा बढ़िया शानदार जलेगा। इस तरह से आपको इतनी लंबी लंबी लकड़ियाँ हैं, ऐसे गट्टे हैं, वैसे गट्टे, ये गट्टे शानदार चलते हैं। बस उसको ध्यान रखो को लकड़ी का सिस्टम ठेठ नीचे तक रहना चाहिए, वहाँ तक, यहाँ पे नहीं। जितनी नीचे लकड़ी बढ़े रहेगी आग उतनी शानदार लगेगी। ये चूल्हे जलाने का तरीका, जिन लोगों ने सबने मेरे से चूल्हा ले रखा है उतनी शानदार आग जल रही है। और अब मैं क्या करूँगा, नीचे तो आपके ये चिकन बम्बू बन रहे, ठीक है, ये देखो आप। और इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, ये ऊपर मैं चावल बनाऊँगा। ये देखो इस तरह से आपको ठेठ नीचे तक लकड़ी लगानी है, जोड़नी है लकड़ी। अब ये एक ही जोड़नी है और आपके आग लगती रहेगी ये बंडाट। ये ऊपर तो आपके जीरा राइस बन रहे हैं और नीचे की साइड में देखो आपके ये चिकन बम्बू बन रहा हो। देखो आप ये देखो आग लग रही है, इस तरह से लकड़ी जोड़नी है। ये लकड़ी आपने लगा दी, अब आग लग रही है, लकड़ी नीचे रहनी चाहिए और नीचे लकड़ी रहेगी, दूसरी जड़ी लकड़ी जब ये जलेगी वो ख़त्म हो जाएगी और उसको आगे सरका दो आप। और इस तरह से बंद रखना आपको और शानदार है आपके चूल्हा जल रहा है। आपको जितनी चाहिए उतना ही आपकी आसानी के साथ चूल्हा जलेगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जगह खाना इस चूल्हे के अंदर बनता है। ये वर्ल्ड का पहला चूल्हा है, भारत सरकार द्वारा पेटेंट है। आपका किरदार ही आपकी पहचान है, वरना एक लाख के एक नाम के तो लाखों लाखों इंसान है। ये हमारी APB न्यूज़ राष्ट्रीय चैनल, उसने मेरे बारे में शूट करके दे रखा है। और ये चूल्हा भारत सरकार द्वारा पेटेंट है, दैनिक भास्कर ने दिया है, हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा राज ने 2017 के अंदर मेरे को अवार्ड दे रखा है। इससे ज़्यादा क्या प्रूफ चाहिएंगे। और मुझे इतना मेरे बारे में आया है, जिसको भी करना मतलब शंका हो तो APB न्यूज़ में जाके चले जाओ, और कई न्यूज़ों ने मेरे बारे में डाल रखा है। ये चूल्हा आपको एक घंटे के अंदर 40 आदमी का दाना दाल बाटी बनाता है ओनली 2 किलो लकड़ी में, और ये 1 किलो ही लकड़ी खाता है। शानदार देखो आग लग रही है, ये देखो
ठीक है, लकड़ी आगे आगे रखनी है, पीछे की साइड नहीं रखनी है। कितनी, कोई कमरे के अंदर देखो कोई धुआं नहीं हो रहा है। और ये ऊपर तो अभी क्या है कि पानी उबलने के बाद मैं बताऊंगा आपको कि नीचे तो इसके अंदर चिकन बम्बू बन रहा है, ऊपर हम राइस का बना रहे हैं। ये देखो चावल डाल रहा हूँ मैं, और जिसको भी चूल्हा चाहिए 9992915977 में फ़ोन करोगे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चूल्हा आपको मिल जाएगा। ये देखो आप, ये चिकन मोमू बन रहा है, ये बांस का धुआं सारा, ठीक है, ये बांस का धुआं है, ये सब बांस का धुआं है। ये देखो आप, ये चिकन मोमू बन रहा साहब, इतनी लंबी लकड़ी डाल रहा हूँ मैं, बन इसके अंदर इसके दो टुकड़े होंगे तो वो बेहतरीन कारगर है, बाकी इतनी इतनी लंबी लंबी लकड़ी भी डाल सकते हो। ये शानदार आग लग रही, देखो आप, और ये आपके ऊपर चावल बन चुके हैं शानदार। बोलिए आप 3-4 किलो चावल ऊपर बना सकते हो, पाव भरी बना सकते हो, और इसी के साथ में नीचे आपके ये देखो आप चिकन बम्बू बन रहा है। ये देखो ऊपर तो आपके चावल बनाए मैंने, ठीक है, ये आप चाहे जितने चावल बना सकते हो, और ये देखो आप राइस चावल है। नीचे की साइड में देखो देखो मैं चावल हटा रहा हूँ ये, ठीक है, ये मैंने चावल यहाँ रखे, इसके नीचे चिकन बम्बू निकाला देखो मैंने आपने, ये थोड़ा सीखे सूखे गिलास बास्त है, ये देखो आप चिकन बम्बू, ये देखो चिकन बम्बू, शानदार चिकन बम्बू निकला देखो आप। और ये नीचे चिकन बम्बू बन रहे देखो आप, ये देखो आप शानदार, ये चिकन बम्बू बिल्कुल, ये देखो आप बोटी वोटी टूट जाएगी, ये चिकन, ये चिकन बम्बू हो गया देखो आपके, ये ऊपर राइस बनाया है, नीचे चिकन बम्बू बनाया है। जिसको भी चूल्हा चाहिए 9992915977 फ़ोन करोगे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये चूल्हा मिल जाएगा। वर्ल्ड का पहला चूल्हा है, दुनिया में ऐसा आज तक कोई चूल्हा बना नहीं जो इतने खाने एक साथ निकाल दे। ये देखो आप चिकन बम्बू बन रहा है आपके, ये मैंने ऊपर राइस बनाया, नीचे चिकन बम्बू बनाया मैंने।